उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ऊंची दुकान और फीके पकवान। पानी की समस्या को बताते हुए वृद्ध के छलके आंसू, कहा कि प्यास लगे सुबह तो पानी शाम को होता है नसीब। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार भले ही गौभक्त है, परंतु यहां तो जनजीवन को पानी नसीब नहीं है। क्या नाम है आपका? श्री राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ के निवासी हैं? ग्राम भोरेपुर कला, ग्राम भूरेपुर कला, विकास खंड क्या है आपका? अजीत माल। राजकुमार जी, मैं एक जानकारी चाहूँगा, जिस तालाब में आप खड़े हैं, यहाँ आपके तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं है। नहीं है, जबकि तालाब को खुदाई सौंदर्यीकरण के नाम पर शासन प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और इस तालाब में देखा जा रहा है बिल्कुल ही पानी नहीं है। नहीं। पानी न होने के कारण आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मर रही है, जीव जंतु, लाइट लाइट भी आ नहीं रही है, जो नलकूपों से पानी अच्छा जाए, लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट भी नहीं आ रही है, यहाँ पर पानी की असुविधा है, जिससे जीव जंतु प्यासे मर रही है। क्या इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ की लापरवाही कहें या शासनिक अधिकारियों की अनदेखी? जनपद औरैया में मीडिया टीम के सर्वे में देखा गया कि पीड़ित समाज का दुख दर्द। जनपद में शासन के द्वारा तालाब पोखरों की खुदाई सौंदर्यीकरण के नाम पर किए जा रहे करोड़ों रुपए खर्च, जबकि आज जनपद के ग्रामीणों अंचलों में तालाबों पानी न होने से घरेलू व जंगली जानवर प्यासे मर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न कुमार। क्या करते हैं आप? कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चों को पढ़ाते हैं? आपके पास में क्या डिग्री है? मेरे पास बीएससी है, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से है। मैं जानकारी चाहूँगा, यहाँ जो आपके तालाब में गंदगी का अंबार लगा है, इस गंदगी का क्या राज है? जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अहम मुद्दा गंदगी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि यहाँ का जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, और जो गांव के अन्य लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ की सफाई सही से हो। अन्य लोग जैसे कि? जैसे कि गांव के और लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग हैं। हम खोलना नहीं चाहते हैं डायरेक्टली, एक्चुअली वो है जो प्रधान भी है इसमें, प्रधान यहाँ पर देखने नहीं आते हैं, कोई कैसा भी कार्यक्रम हो देखने नहीं आते हैं, सफाई के बारे में हो, चाहे पानी के बारे में हो, चाहे कुएं के बारे में, किसी के बारे में हो, वो बिल्कुल देखने नहीं आए। हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पर साफ सफाई हो और सही से तालाब में पानी हो, पशुओं को पीने के लिए पानी मिले और ग्रामीण लोगों को सुविधा मिले, यही हमारा विनम्र निवेदन है। जहाँ तक ये न्यूज जाए वहाँ तक हमारा निवेदन है कि इस पे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। ठीक, थैंक यू। प्रद्युम्न जी, मैं आपको अपने चैनल की ओर से आश्वासन देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीखा और आपकी आवाज़ को माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा करके और आपके गांव की समस्या का तत्काल निराकरण कराने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सर, ये यदि हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पर ग्रामीण बताया कि दुर्भाग्यवश अग्नि लगने से हो सकता है बड़ा हादसा, कई तालाबों में पानी की जगह पर लगा है गंदगी का अंबार। जनपद के अजीमतल विकास खंड ग्राम भूरेपुर कला गांव में मीडिया टीम के सामने ग्रामीण वृद्ध छोटेलाल ने पीने की पानी की समस्या को बताते हुए उनके आंसू छलक पड़े, कहा कि यदि प्यास लगी हो सुबह तो पीने को पानी शाम को नसीब होता है। दादा क्या नाम है आपका? छोटेलाल। कहाँ के निवासी हैं? भूरेपुर कला। भूरेपुर कला, इस गांव की मुख्य समस्या क्या है? इस मुख्य समस्या चाहिए ना के चौपी मर जात प्यास में, हम सब लोग दशहरा को जैसा तैसा देख पानी मिल जाओ तब आज हनाए पावे भाई मुश्किल है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य ये है कि पानी ना होने के कारण आप लोग दो दो तीन तीन दिन नहाने को भी तरस जाते हैं। नहाने को तो प्यास लगी, हमें पानी कहाँ से मिले? प्यास अभी लगी और शाम को पानी मिले? क्या यहाँ पर सुनने में आता है कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में सब कुशलता पूर्वक रोइए नहीं, आपकी आवाज को उच्च स्तर तरीके से पहुँचा दिया जाएगा और आपकी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा, ये हम चैनल की ओर से आपको आश्वासन देते हैं। आप निश्चिंत होकर के ये बताइए कि आपके गांव में जैसे कि नल खराब पड़ा हुआ है,
तालाबों में पानी नहीं है, इससे जीव जंतु तो छोड़ो, यहाँ आदमी तक प्यासे मर रहा है। आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जय काल चैनल, हमें पानी की सुविधा कर दे, ठीक। मीडिया टीम के द्वारा जिले भर में सर्वे किया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की है। गांव में लगे हैंडपंप अधिकांश खराब पड़े हैं। खराब हैंडपंप की मरम्मत कराने में, पीने के लिए पानी को उपलब्ध कराने में शासन लापरवाही करता रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार हफ्ते दो दिन स्वयं जन समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को कराते निस्तारण, परंतु हकीकत तो धरातल पर दिखाई ही दे रही है कि योगी सरकार की ऊंची दुकान पर लगे हैं फीके पकवान। यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें योगी जी के निर्देश को कोई परवाह नहीं, जो कि आज भी सपा सरकार के नशा में चूर नहीं दिखाई दे रहे सामाजिक समस्याएं। दूसरी ओर योगी जी गौभक्ति में बिजी हैं कि ग्रामीण अंचलों में प्यासे मर रहे पशु पक्षी जिनकी ओर नहीं किसी का ध्यान, आखिरकार कौन करेगा बेजुबान पशु पक्षियों की फरियाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से? तालाब पोखरों की साफ सफाई व सौंदर्यीकरण कराने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आखिर क्यों नहीं भराया गया पानी? भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी कहाँ के रहने वाले? पन्नर। सुनील कुमार जी, ये जो आपके गांव का जो ये तालाब आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही गंदगी और घास कूड़ा फैला हुआ है, जबकि योगी जी और मोदी जी का अभियान है सफाई का मेन, बिल्कुल चल रहा है, और इसके बाद भी यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तालाब पोखरों की खुदाई कराने में शासन प्रशासन लाखों करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है और यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में घरेलू और जंगली जानवर कहाँ पानी पी रहे हैं? पानी के अकुआस पिला रहे, वो भी बड़ी परेशानी से, परेशानी के साथ में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके गांव से नहर महज 150 मीटर दूरी है, 150-200 मीटर, और फिर भी इसमें प्रशासन शासन प्रशासन की अनदेखी मानी जाए या ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत की तो अनदेखी चल रही है। मैं आपसे एक सवाल और छोटा सा करना चाहूँगा, ये तालाब का आपका क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? तालाब का समथिंग जानकारी नहीं है। जनपद औरैया उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र सेंगर की खास रिपोर्ट।